I'll explain you worksheets of chapter number 7. This is your worksheet number 1A. Name some other places where uniforms are worn. ऐसी places के नाम बताना है जहाँ पे uniforms wear की जाती हैं. एक तो स्कूल यूनिफॉर्म जो है स्कूल में वियर करते हैं, तो स्कूल यूनिफॉर्म हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू बी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर पीपल. स्कूल यूनिफॉर्म क्या करती है, स्टूडेंट्स को ये दिखाने में मदद करती है, दूसरे लोगों से अलग दिखाती है कि हाँ ये एक स्टूडेंट है स्कूल का. वी कैन आइडेंटिफाई द स्कूल स्टूडेंट्स एट स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल व्हेन दे आर इन स्कूल यूनिफॉर्म. हम स्कूल स्टूडेंट्स को इजीली पहचान सकते हैं जब उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म वियर की हो तब, कि हाँ ये स्कूल यूनिफॉर्म है, स्कूल का स्टूडेंट है. मैनी यूनिफॉर्म्स दैट वी सी ऑन अ डेली बेसिस. बहुत सी यूनिफॉर्म्स होती है जो हम डेली बेसिस पर देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लैब कोट, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सबकी यूनिफॉर्म्स होती है, डॉक्टर्स की, पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की. अब नाउ वर्कशीट नंबर 1B, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फैब्रिक्स डू नॉट एब्जॉर्ब वेट. ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता, पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो कौन सा है? सिंथेटिक. इज अ सिंथेटिक फाइबर. कौन है जो सिंथेटिक फाइबर है? नायलोन. इज अ प्लांट फाइबर. प्लांट फाइबर कौन सा है? कॉटन. फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. ऐसा कौन सा फाइबर है जो केमिकल से बनता है? सिंथेटिक. यू शुड वेयर क्लोथ दैट आर. ऐसा हमें कौन से, कैसे कपड़े पहनने चाहिए जो क्या हो हमारे लिए? कम्फर्टेबल. वी वेयर फॉर पार्टीज एंड वेडिंग. जहां हम शादियों में और पार्टीज में जाते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? फैंसी क्लॉथ. अब ये आपकी प्रैक्टिस बुक है, इसमें आपकी वर्कशीट नंबर 2 है. इसमें स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में बताना है. स्कूल यूनिफॉर्म हेल्प्स द स्टूडेंट टू बी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर पीपल. स्कूल यूनिफॉर्म हमारी मदद कर, स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्प करती है कि हाँ ये अदर पीपल से अलग है, मतलब ये स्कूल के बच्चे हैं. ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म मेक स्टूडेंट्स फील इक्वल. स्कूल यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स को कैसा फील कराती है? इक्वल, मतलब बराबर. यूनिफॉर्म्स आर नॉट वेरी कॉस्टली. यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती. स्कूल यूनिफॉर्म शोज द यूनिटी अमंग स्टूडेंट्स. स्कूल यूनिफॉर्म क्या दिखाती है स्टूडेंट्स के अमंग बीच में? यूनिटी, मतलब एकता दिखाती है. स्पेशली वेन द स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट द स्कूल इन सम एक्टिविटी आउटसाइड द स्कूल. स्पेशली कब? जब स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल के बाहर, तब. आपकी वर्कशीट 2A, ये वर्कशीट 2B. कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप. ये कंप्लीट करना है कॉन्सेप्ट मैप. फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सिंथेटिक. नेचुरल में आता है प्लांट और एनिमल्स. अब प्लांट्स में आते हैं आपके कॉटन, सिल्क, जूट, वुल. और सिंथेटिक में आते हैं नायलॉन और पॉलिस्टर. ये क्वेश्चन है, नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज कैन बी वॉर्न इजिली. ये हमें बताना है इन स्टेट्स के नेम इंडिया के, जहां इस तरह के, जहां ये फॉलोइंग तरह के कपड़े और एक्सेसरीज वेयर की जाती है. लाइट लूज क्लोथिंग एंड एन अम्ब्रेला फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. कहां पे जो है लूज और लाइट क्लोथ पहने जाते हैं, अम्ब्रेला का यूज होता है ज्यादातर, तो ये कौन है? मेघालय और मणिपुर. हैवी एंड वार्म क्लोथिंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर डे एंड नाइट. हैवी और वार्म क्लोथिंग जो है वो कहां पहने जाते हैं? हैवी और वार्म क्लोथ हिमाचल प्रदेश. लाइट एंड लूज क्लोथिंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड यूज ऑफ विंड शीटर. लाइट और लूज क्लोथ कहाँ पहने जाते हैं? तो गोवा. लाइट एंड लूज क्लोथिंग ड्यूरिंग द डे एंड वार्म क्लोथिंग एट नाइट. लाइट कपड़े पहने जाते हैं डे के दौरान दिन में, और वार्म क्लोथ पहने जाते हैं नाइट में, तो वो क्या है? राजस्थान. तो आपकी वर्कशीट नंबर 1 और 2 है, ये आपको अपनी बुक्स में करना है.